ये जो आरसीबी की इतनी सड़ी हुई किस्मत है ना, जैसा ये लोग टट्टी सा परफॉर्म करते हैं, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से ही होता है। उसी कल मुहे के वजह से ये टीम 16 सालों से आईपीएल नहीं जीत पाई है, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं है बल्कि अपने विराट कोहली है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, ऐसा सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी कुछ देश में बैठे अपने ही खिलाड़ियों से नफरत करने वाले और उनको ट्रोल करने वाले गद्दार बोल रहे हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इसी चर्चाओं से भरा हुआ है कि चेन्नई में जाकर आरसीबी सीएसके को कभी हरा नहीं पाती है। आखिरी बार आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई में जाकर साल 2008 में हराया था। उसके बाद से 8 इनकाउंटर्स इन दोनों टीम के हो चुके हैं चेन्नई के ग्राउंड में, जहां 8 के 8 बार विराट कोहली की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। और कल के मैच में भी बिल्कुल यही वाली कहानी रही है। इतना अच्छा आरसीबी ने पहले टॉस जीता था, हम सभी लोग सोच रहे थे कि ये लोग पक्का पहले बॉलिंग करेंगे और फिर चेज करते हुए बड़े आराम से मैच को जीत जाएंगे। लेकिन अपने कप्तान साहब ने, बोले तो फाफ डुप्लेसिस ने, इतना गलत जो डिसीजन लिया है, मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ऐसा इन्होंने किया क्यों। पहले बैटिंग करने आई आरसीबी की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली कुछ खास नहीं उखाड़ पाए, कैप्टन फाफ डुप्लेसिस ने 35 रन बनाए, कैमरन ग्रीन भी भाई उसका भी ऐसा ही रहा, 20-21 रन बना के चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल इतना बड़ा खिलाड़ी 0 पर आउट, कैमरन ग्रीन इसे मुंबई इंडियंस से उठाकर आरसीबी में लाए कि एक टीम की नैया पार लगाएगा, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी ताकत देगा, वो भी भाई साहब 17-18 रन बनाकर चलते बन गया। वो तो भला हो भाई साहब अनुज रावत और दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने आखिरी के ओवर्स में आकर छक्के चौके मारे और टीम के स्कोर को सम्मानित 170 रनों के पार ले गए। वरना तो जैसे इन लोगों की बैटिंग दिखाई दे रही थी, मुश्किल ही था कि ये लोग 130 रन भी पार कर पाते। 170 रनों का टारगेट स्कोर बोर्ड में लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है वो सीएसके के बैट्समैन को थोड़ा तो भाई साहब टफ टाइम जरूर देगी चेन्नई के ग्राउंड में, एमएस धोनी के प्लेयर्स को जरूरी रगड़ेगी, दबा कर रगड़ेगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ वही जो हर बार होता है, चेन्नई के ग्राउंड में फिर एक बार आरसीबी को हार का मुंह देखना पड़ गया। और मैं बोल रहा हूं ना, ये अब लगातार 8वीं बार हो चुका है, 8वीं बार कि ये आरसीबी वाले चेन्नई के ग्राउंड में जाते हैं और बेइज्जत होके वहां से भाई वापस चले जाते हैं। इसके ही वजह से आज सोशल मीडिया पर सुबह से ही तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करी जा रही हैं, और खास करके ये जो अपने पड़ोसी मुल्क वाले हैं पाकिस्तानी, ये लोग भाई साहब कुछ ज्यादा ही लगे हुए हैं। अपने बाबर आजम को तो ये विराट कोहली के कंपेयर करते ही थे, आजकल भाई साहब सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लग चुके हैं, उस सचिन तेंदुलकर से जिनसे खुद विराट कोहली अपने आप को कोसों दूर मानता है और अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करता। और कई बार विराट कोहली ने अपने मुंह से कबूला है कि सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन इतिहास में कोई नहीं आया, और ऐसे बैट्समैन को, ऐसे क्रिकेट के भगवान को ये पाकिस्तानी भाई साहब बाबर आजम को उनसे ऊपर रख रहे हैं। मैं उन पाकिस्तानियों से बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी पीएसएल पैसा शॉर्टेज लीग पर ध्यान दें और आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग से कोसों दूर बैठे रहें, कोई कमेंट पास ना करें, क्योंकि ज्यादा बोलने से बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की होनी है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी आईपीएल तो भाई साहब ऐसे ही टॉप पर है, हमारे खुद के देश में 140 करोड़ की आबादी है, एक एक मैच को 40-40 50-50 करोड़ बंदा देखता है, तो व्यूअरशिप की तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप अपनी व्यूअरशिप अपने पीएसएल के लिए रखिए।